हेलो एवरीवन आई वेलकम यू टू दी स्टडीज टुडे सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज एनालिस चैनल प्लेज टू मेक श्योर की अब सब्सक्राइब कर दो एंड हिट ऑन द टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे वैन वी अपलोड द सेशन यू गेट नोटिफाइड विदार्ट आज की पहली न्यूज है अबाउट नेटो ओके थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं अबाउट नेटो फर्स्ट सो नेटो इज योर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक मिलिट्री लाइन्स है जो इस्टेब्लिश हुई थी बाई दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी या फिर हम कहते हैं इसे वॉशिंगटन ट्रीटी ईयर इंपॉर्टेंट है नाइनटीन फोर्टी नाइन में ये इस्टैब्लिश हुई थी देखो उस टाइम पे क्या था देर सम कंट्रीज जिन्होंने मिलिट्री लाइन्स ज्वाइन किया था लाइक देर इज यू एस ए कैनडा इन लोगों ने सोचा कि हम लोग साथ में आ जाते हैं प्लस द यूरोपियन कंट्रीज हम लोग साथ में आ जाते हैं एक साथ अगेंस्ट द यूएसएसआर ओके सिक्योरिटी पर्पस के लिए सब साथ में रहेंगे यूनिटी स्ट्रेंथ इन दैट वे दे मेड दिस अलायंस एंड इट वाज अगेंस्ट यूएसएसआर प्रेजेंट डे पे आप इसे कहते हो आपकी रशिया ओके okay? प्रेजेंटली इसके हैं आपके 32 टू मेंबर स्टेट हेडक्वार्ट इसका ब्रिसेल्स बेल्जियम में एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ हेडक्वार्ट अलाइड कमांड ऑपरेशन इज इन मॉन्स बेल्जियम ओके रिमेंबर हेडक्वार्टर्स प्लस द स्टेट्स ओके अभी रिसेंट में देखो फिनलैंड ने ज्वाइन किया था आपका नीटो 2023 में ही आपका मेंबर बना था उससे पहले थर्टी मेंबर्स थे अब बेसिकली लोग क्यों नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं या कंट्रीज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इट्स सिंपल बिकॉज नेटो का एक मोटो है कि अगर आप किसी भी एक मेंबर को हमारे हर्ट करोगे या उसके अगेंस्ट जाओगे देन ऑल ऑफ आस आर स्टैंडिंग विद दैट ओके अगर आप वॉर करते हो हमारे किसी भी मेंबर भी स्टेट के अगेंस्ट तो हम लोग सब आएंगे और रेस्क्यू करेंगे रिसेंट में हमने देखा था कि नेटो अपनी बिगेस्ट मिलिट्री ड्रिल करेगी ओके द नेम विज टेट फास्ट डिफेंडर ठीक है नीम था इसका स्टेड फास्ट डिफेंडर ट्वेंटी ट्वेंटी ये होने वाली है नेटो की बिगेस्ट ड्रिल ओके हमने हाँ इसके बारे में पहले डिस्कस कर रखा है आई होप अगर आप सेशन फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई है आपकी नेटो न्यूज़ में आई है इसलिए बिकॉज देखो आपकी दो कंट्रीज थी जो नेटो की मेम्बरशिप प्रेजेंटली सीख कर रही हैं फर्स्ट है आपकी स्वीडन ओके नेक्स्ट है आपकी यूक्रेन यूक्रेन भी नेटो का मेंबर बनना चाहती है एंड अगर आपको पता होगा देखो रशिया ने जो वॉर स्टार्ट करी थी ना अगेंस्ट यूक्रेन सो देवर पेस्ड वन ऑफ द रीजन व्हाई रशिया वाज एंग्री ऑन यूक्रेन विज बिकॉज यूक्रेन जॉइन करना चाहती थी नेटो और नेटो इज टोटली अगेंस्ट रशिया ओके सो देर वन ऑफ दैट रीजन फॉर द वॉर वो दिस ऑल्सो सो so, रिसेंट में देखा गया कि आपकी स्वीडन को टर्की ने पहले मना कर दिया था टर्की साइड कि हम स्वीडन को नहीं ज्वाइन करवाना चाहते नीटू में बट रिस में देखा गया है कि टर्की ने अपना रेटिफिकेशन दे दिया है दैट मीन्स टर्की ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम स्वीडन को पार्ट बना लेंगे नीटू का देअ दिस इज ए न्यूज ओके अब देखो ये आपका मैप है यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज फिनलैंड यहाँ पर स्वीडन है जो सीख कर रहा था होपफुली इन्हें भी मेम बना ली जाएगा दिस आर ऑल दी कंट्रीज ओके इफ यू वांट टू रीड ऑल ऑफ दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम द पीडीएफ, डी पीडीएफ आएगी आपकी टेलीग्राम चैनल पे, वो आप ज्वाइन कर लेना उधर यू कैन फाइंड द पी ओके मूविंग फॉरवर्ड वी मूव टू द ए पार्ट टुडे नॉट इन टूडेर न्यूज पेपर पार्ट पे आ जाते हैं अब रिसेंटली एक आपका कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय अ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढांकर इन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है विच सेलिब्रेट इंडिया सेवेंटी फिफ्थ रिपब्लिक ईयर ओके okay? so, कैंपेन का नाम है आपका हमारा संविधान हमारा सम्मान इसका मेन फोकस है कि जो आपकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिले मतलब उन्हें जस्टिस मिले अगर वो सीख कर रहे हैं जस्टिस तो उन्हें प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड की जाए दिस इज द मेन गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव इनिशियटिव कैंपेन मूविंग ऑन नेशनल टूरिज्म डे आज के दिन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म डे ओके सो आंसर तो हो गया इस क्वेश्चन का आपका ट्वेंटी फिफ्थ जैन इस बार का थीम है आपका सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज देखो इस थीम को आप ऐसी भी याद कर सकते हो बहुत ज्यादा हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हैं जब से आपका सीओपी का कॉन्फ्रेंस हुआ है ट्वेंटी एट ओके सो द थीम आल्सो रिलेट्स टू सस्टेनेबल जर्नीज एंड टाइमलेस मेमोरीज थीम्स याद रखना मूविंग ऑन नेशनल वोटर्स डे आज के दिन ट्वेंटी फिफ्थ जैन को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है इस साल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में हम सेलिब्रेट करेंगे इसका फोर्टींथ एडिशन और ये इनिशिएट हुआ था आपका ट्वेंटी इलेवन में रिमेंबर दैट उस टाइम पर नेशनल वोटर्स डे वॉज इस्टिश बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू एड्रेस अ ग्रोइंग कंसर्न इस बार का आपका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर कि इसके ऊपर लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आए थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई एम नॉट रिमेबरिंग द एग्जैक्ट एग्ज़ाम है सो लास्ट ईयर भी आपका सेम थीम था और इस बार भी आपका सेम थीम है सो so, थीम जरूर याद रखना ओके मूविंग ऑन वी हैव अ ऐप फॉर एजुकेशन सो अभी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया है एक नया ऐप विच कंटेन स्टडी मटीरियल इन रीजनल लैंग्वेजेस सो आपको स्टडी मटीरियल मिलेंगे वहाँ पे इन योर रीजनल लैंग्वेज अब देखो इट्स बेसिकली जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ट्वेंटी ट्वेंटी में उसके थ्रू ही है ये ठीक है उस टाइम भी उन्होंने एक पॉइंट फोकस किया था कि हम रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे इन एजुकेशन सो बेसिकली दिस इज दिस ऐप इज देयर टू प्रमोट दैट थिंग ठीक है द नेम ऑफ द ऐप इज अनुवादनी ठीक है अनुवादनी है इस ऐप का नाम आपका नाम याद रखना नेक्स्ट चीज देखो इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे फॉर ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म स्पेसिफिकली इन इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द सो देखो में आपकी जो भी उनमें आपको ये होंगे कितनी लैंग्वेजेस है आपके शेड्यूल में ये कॉमेंट से बताना ठीक है दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर सेशन मूविंग ऑन वी हैव इंडिया एंड ओमान सो रिसेंटली इंडिया और ओमान ने एक एम यू साइन करा है एक

तीन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है द नेम्स हे आर इंडिया फ्रांस और यू ओके सो ये तीन कंट्रीज आपकी पार्टिसिपेट करती हैं इन डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज मूविंग ऑन वी हैव न्यूज अबाउट सुप्रीम कोर्ट सो रिसेंटली एक नए जज अपॉइंट हुए हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में सो द नेम इज जस्टिस Prasanna बी वार्ले ठीक है ये इनका नेम है पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो नेम important है नेम याद मूविंग ऑन वी हैव कौशल भवन अब रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है आपका कौशल भवन रिप्रेजेंटिंग इंडिया डेडिकेशन टू यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट अब देखो इमेज से काफी क्लियर हो गया होगा किसने इनॉग्रेट किया है सो so, इनोग्रेट किया गया है बाय आर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन्होंने इनग्रेट किया है दिस कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रनोरशिप ओके मिनिस्ट्रीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये भवन बेसिकली इसलिए है ताकि ये कैटलाइज करेगा या ये इंक्रीज करेगा जो आपकी यूथ है उनमें स्किल डेवलपमेंट लाने के लिए ओके मूविंग ऑन सिमली पाल टाइगर रिजर्व अब देखो सिमली पाल टाइगर रिजर्व है आपका उड़ीसा में ओके okay? पहले तो यही याद रखना अब यहाँ के जो सी है आपके दैट्स नवीन पटनायक इन्होंने नई अनाउंसमेंट की है वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसी चीज होने वाली है करा है इन्होंने ब्लैक टाइगर सफारी ब्लैक टाइगर सफारी स्टार्ट होगी आपकी उड़ीसा में दिस इज नियर द सिमली पाल टाइगर रिजर्व ओके मूविंग ऑन वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन ठीक है अब ये इंडियन नेवी ने स्ट्रैटेजिकली एक नई लोकेशन आ, ढूंढी है जिसमें वो अपना सेकंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन स्टेशन सेटअप करेंगे कंट्री में सो so, ये लोकेशन होने वाली है आपकी तेलंगाना में तेलंगाना में ये सेटअप करने वाले हैं फर्स्ट ही इसके अलावा जो पहला वाला है फर्स्ट जो स्टेशन है दैट्स आई एन एस रडार स्टेशन एट तृणुवली तमिलनाडु ठीक है वो फर्स्ट था रिमेंबर दिस ऑल्सो पहला वाला तमिलनाडु में नेक्स्ट आपका तेलंगाना में होने वाला है ती तीजा है ओके मूविंग ऑन कास्ट सेंसेस सो अब एक स्टेट है और ये होने वाली है आज के टॉप फाइव वर्ड डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड है आपका फवेला विच मीन अ वेरी पुअर एंड क्राउडेड एरिया ऑफ द सिटी बेसिकली आपकी ब्राजील की सिटीज से रिलेट करता है नेक्स्ट वी हैव इिपेयरेबल विच मीन्स समथिंग इज टू बैड टू बी रिपेयर करेक्टेड इन नाम से ही पता चल रहा है थर्ड हम आ जाते हैं हॉस्टाइल विच मींस अग्रेसिव और अनफ्रेंडली एंड रेडी टू आर्ग्यू फाइट जैसी रिलेशन अभी इंडिया मोन में इसमें देखी जा रही है फोर्थ वी हैव इन्फ्रिंजमेंट विचवींस अ माइनर ऑफेंस दैट इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ लॉ और अ रूल इट कैन ऑल्सो रेफर टू द एक्ट ऑफ वायलेटिंग अ लॉ और राइट स्मॉल पीस और अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली वन दैट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ग्रेटर पार्ट है अगर आपने क्लॉथ यूज कराए उसके छोटे छोटे पार्ट में बी इफ यू यूज टू मेक अ ड्रेस जो बचे हुए पार्ट हो गए वो आपकी स्क्रैप हो गए ओके मूविंग ऑन So, उसमे एक इंडियन बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है आपकी विच हैज बीन नॉमिनेटेड एज द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में ये रिटर्न है बाय निशा पाहुजा इन्होंने लिखी है ये द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज टू किल टाइगर ओके नेम इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्लस किसने लिखा है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मोर ओवर दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे इट्स वेरी इजी क्वेश्चन हमने कल के सेशन में ही ये डिस्कस किया था आई होप यू ऑल आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को शेयर कर देना ये वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स विद डैट वील एंड द सेशन है थैंक यू फॉर वॉचिंग